देखें ये घूम रहे हैं, तो बहुत बड़े फैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी एकदम फिट है। तो पीछे आप देख सकते हैं मेरे हर तरफ जो है जानवर ही जानवर है। तो इस टाइम आए हुए जी गुजरात मंडी में, तो अपने जानवर लेके आए हुए तीन, एक जो है मलंग ब्लैक गोल्ड और बुलबुल भैंस एक है, इसको सेल करना है। तो इसलिए हम जो इसको मंडी सेल करने के लिए लेके आए हुए हैं। तीन जानवर सेल कर रहे हैं और साथ फिर चार पांच जानवर अपने भी लेके आए हैं। वो तीन पैसे लेके आए हैं। रश जो है रश मंडी में काफ़ी ज़्यादा है। अभी तकरीबन हम इंटर हुए हैं तो 20 मिनट हो गए हैं। अभी तक माल जो है हमारा गाड़ी से नहीं उतरा, रश में फंसे हुए 20 मिनट हो गए हैं और बस माल उतरता है। साहब आपको दिखाते हैं मंडी में कैसे लेन देन करते हैं, कैसे माल लेते हैं, कैसे बेचते हैं। तो बस अब मंडी में आए हुए हैं तो बस आपको साथ साथ दिखाते रहे वीडियो में। बस लास्ट तक रहे, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अभी गर्मी बहुत तेज़ है। अभी एक जो भाई आए हैं भैंस का रेट शेट पूछ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रश है। यार भाई पहले जो गाहक है हमारे पास आए हैं देने के लिए, तो अभी वो भैंस वगैरह चेक कर रहे हैं। हाँ जी रश देख रहे हैं। अभी हम मंडी के तकरीबन बाहर बाहर हैं, अभी अंदर वाली साइड तो नहीं गए। मुझे भाई लोगों ने नहीं सौदा बना मारा उनके साथ, हम 3.5 लाख मांग रहे हैं और वो कम रेट बता रहे हैं। अभी सौदा नहीं बना के चलते हैं, अभी तक तो माल नहीं उतारा, गाहक आ रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बिक जाएंगे। आ गया, आ गया जी मलंग, आ गया बुलबुल, आ गई ब्लैक गोल्ड, आ गई कार जी है रश से मारी जो गाड़ी निकल आई है। अब इसको उतारते हैं, कार भैंसे उतारने के लिए ये जगह हमें मिल गई है। तो यहाँ पे जो भैंस अपनी और जो है छोटा वो उतारते हैं यहाँ पे और फिर मंडी के अंदर लेके जाते हैं। क्योंकि बारिश हुई हुई थी और कीचड़ जो है इधर दिखाएं, कीचड़ बहुत ज़्यादा है और रश भी बहुत ज़्यादा है। भैंसों को पानी पिलाने गए थे तो वहाँ पे हमारी हालत ही हुई है, उनकी भैंसों की भी हालत सुबह जब आई थी तो उस टाइम आप देख रहे थे कैसी है, अभी इनकी हालत देखे क्या हो गई है। तो अभी तक गाहक जो है वो आ रहे हैं लेकिन हमारे जो मन जो रेट है वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी साथ साथ आपको दिखाते हैं क्या बनता है। Yeah.
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक जानवर जो है वो सेल हो गया, अभी ब्लैक गोल्ड और जो मलंग है ये रह गया, और एक जानवर जो सेल हो गया, मर्दान लोग, मर्दान के भाई थे, मर्दान वाले इलाके से पठान थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ सौदा शौदा हो गया, तो वो भाई जो है वो भैंस ले गए, बबलू भैंस, बाकी अभी दो भैंसें रहती हैं, एक भैंस और एक जो है वो मलंग जो है छोटा रहता है अभी बेचने के लिए, और हालत ऐसी है देख आप हमारी हालत से देख सकते हैं, कीचड़ कीचड़ है मंडी में और गर्मी जो है वो शदीद है। अभी रश थोड़ा सा ना कम हुआ है क्योंकि धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा, एक तकरीबन एक बजे एक का टाइम हो गया, एक बज गए। हाँ जी, तो इस टाइम मंडी में जो है वो फुल जो है वो जलील हो रहे हैं, रेट लेने जाओ चीज़ तो इतना ज़्यादा बताते हैं, जब बेचने जाओ तो कोई बंदा बताता ही नहीं है, बहुत कम रेट बताते हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है जानवर को बेचने में। और अभी तक सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ, बस सुबह से जो है मंडी में जो है वो घूम फिर रहे हैं, तकरीबन जो है 3 बज गए हैं, अभी 2 जानवर रहते हैं बेचने वाले। इस टाइम देख रहे हैं आप सुबह सुबह कितना ज़्यादा रश था, और अभी हालत देख रहे हैं मंडी की, तकरीबन ख़त्म ही हो गया माल, थोड़ा सा रह गया वहाँ। तो जी मेरे ख्याल से एक और जो भैंस है उसका भी सौदा हो गया, और दूसरी भैंस भी अल्लाह के फजल से वो भी क्लियर कर रही है, सौदा हो रहा है पैसे का लेन देन जो हो रहा है। ब्लैक गोल्ड है ये भी जो है वो सेल हो गई है, अब अपना जो मलंग रह गया ठीक है जी, मंडी के पास है जो ट्रेन गुजर रही है, तो अब ये एक मलंग रह गया, अभी हमारा दिल है इसको मंडी के अंदर वाली साइड पे लेके जाएं, क्योंकि यहाँ से जो है वो तकरीबन मंडी जो है वो हाली हो गई है, क्योंकि हमारी जो 2 जो भैंसें बेची हैं वो गोश्त के लिए बेची हैं, और इसलिए इस साइड पे पठान जो है वो ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि मर्दान वाली साइड पे पेशावर वाली साइड पे लेकर जाते हैं, तो अभी उन्होंने ले लिया, अभी जो वो रह गया हमारा बुल मलंग, तो उसको अब मंडी के सही जो मंडी के साइड पर लेके जाते हैं। हाँ ये तो मंडी के रश वाली साइड पर जो अब आ चुके हैं, इस साइड पर सारी भैंसें हैं दूध वाली, और इस साइड पे गाय वगैरह और जो छोटा मोटा माल है। तो अभी तो रोड साइड पे आ गए, तो देखे कैसे गाड़ियाँ बढ़ बढ़ के लोग भैंसे लेके जा रहे हैं, गाड़ियों की लंबी कतार लगी, रश ही बहुत ज्यादा है। मंडी में आए जी मुबशर सदीक साहब भी, तो उनके आपको पता है जी सब उनके बहुत बड़े फैन हैं, तो आपको मिलाते हैं उनसे। मुबशर भाई देखें ये घूम रहे हैं, आपको बहुत बड़े फैन, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो अभी फैसला ये हुआ है कि मैं इनान और अब्दुल्ला भाई जो हैं हम जा रहे हैं वापस डेरे पे, वापस गाँव जा रहे हैं, क्योंकि टाइम जो वो तकरीबन 4 का शायद हो गया, और जाके डेरे का भी काम है क्योंकि पैसे वगैरह का दूध निकालना है, इस वजह से हमें तीनों को ना जाना पड़ा है। और हैनान एहसान भाई फुरकान और अब्दुल्ला भाई जो वो इधर रहेंगे, अगर जो मलंग सेल हो गया तो ठीक है, अगर ना सेल हुआ तो अबू का फ़ोन आया हुआ था कि
कि गाँव में कुछ बंदों ने कहा हुआ है कि हम जो उसको खरीद लेंगे, अगर सेल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको गाँव वो वापस ले आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस गाँव। बाइक स्टैंड पे पहुंच गए हैं, काफ़ी रश ख़त्म हो गए। देखे कैसे लोग जो धड़ाधड़ गाड़ियों की गाड़ियाँ माल यहाँ से जा रहे हैं। बहुत रश है जी, बहुत रश है। हालत मैं आपको एक दफ़ा यहाँ से जाने जो मेरी हालत है जाते वक्त मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो आप ये देखें, जूती भी मेरी देख सकते हैं, पाँव कितने गंदे हो गए हैं, कपड़ों की हालत आप देख रहे हैं, जूती भी जो है टूट गई है, और ये देखें कितने गंदे हो गए कपड़े। तो मंडी में आना कोई आसान काम तो नहीं है ना, सुबह से जलील हुए हैं, दो जानवर बिके हैं वो भी मुनासिब रेट पर बिके हैं, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, बारिश हुई थी उसकी वजह से कीचड़ था काफ़ी ज़्यादा। और देख लें आप, अब दुआ करें कि जो एक रह गया जानवर वो भी बिक जाए। तो इसी के साथ ब्लॉग को भी करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे दीजिए ज़्यादा आपका बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।